आज कांग्रेस ने दावा किया कल के चुनाव में पार्टी बहुत अच्छा परिणाम देगी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम ये कांग्रेस का दावा आपके सामने रख दें। कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे विरोधी पार्टियों पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि कुछ पार्टियां लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहती हैं। हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएगी। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। नासिर जी, मुझे लगता है कि शायद बोलते बोलते रणदीप सुरजेवाला की जुबान थोड़ी फिसल गई। वो द्रौपदी का चीरहरण कहते कहते सीता का चीरहरण कह गए। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है जब इतने रोज रोज जो रणदीप जी ने कहा वही बात मैंने तो सुना नहीं था रणदीप जी को। मैं जो बात पहले बोला, पहले जब डिबेट चल रहा था जो बात मैंने कही, सेम बात रणदीप जी ने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ये जो है आज का नहीं, मैं टीडीपी के 3 MPs का बोल रहा था, और बहुत सारे MPs जो है जबकि चुनाव नहीं था, बीच में रिजाइन करके उधर चले जाते हैं, उसके बाद चुनाव होता है, उनके स्टेट में जीत के आते हैं, और ये सारे लोग जो गए थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो किसी ना किसी के खिलाफ कोई ना कोई केस, किसी ने किसी के खिलाफ कोई ना कोई तय है, बातचीत होती है, उसके बाद एक डील होती है, उसके बाद ये लोग क्रॉस ओवर करते हैं, फिर वहाँ पे चुनाव होता है, फिर जीतते हैं। इसी तरह से इन्होंने 100 mark जो है राज्यसभा में टच किया है, और जहाँ जहाँ इनको लगता है कि जो है ये सरकार के करीब हैं या ना तो ये सरकार बना नहीं पा रहे हैं, वहाँ वहाँ ये सब भी इसी तरह के हथकंडे अपना के जो इन्होंने सरकारें बनाने का काम किया है। ये इनके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि अमित शाह खुद कहते हैं कि हम राजनीति करने आए हैं, हम कोई सोशल सर्विस करने के लिए नहीं आए, हम किसी भी तरह कोई भी चीज कैसा भी जो है हम लोग कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये इनके नंबर 2 जो अमित शाह जी हैं उनका जो है कहना है। दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटा सा मैं उनका भी रिएक्शन लेकर फिर एक ब्रेक के लिए आगे बढ़ूंगी। दत्ता साहब, आप देखिए टीएमसी की अगर ताकत की बात करें तो राज्यसभा में आप अपनी ताकत कितनी देख रहे हैं, और ये मौजूदा चुनाव में जिस तरीके से किलेबंदी कहें, आप बाड़ाबंदी कहें, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, बीजेपी तो साफ कहती है नंबर गेम है, जिसने सही से इस नंबर गेम को खेला उसकी जीत है, वो सिकंदर है। देखिए, मैं बीजेपी से इतना ही कहूंगा कि मैं जानता हूं कि बीजेपी सिर्फ एक ही पॉलिसी में विश्वास रखती है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो हमको जीतना जरूरी है। बीजेपी का माननीय जो सांसद है हमारे बीच में, उन्होंने कहा हम लोग अप्रैल में उनके 100 सीट थी, वो अभी घट के 95 हो गया, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, इनका राज्यसभा में 91 हो जाएगा अभी, क्योंकि देश की जो हालत है उसमें जितने विपक्षी दल हैं वो सारे अपने अपने जगह में, जो भी हम है, बंगाल में तृणमूल है, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना है, बात मुद्दे की एक ही है, अगर बीजेपी को हटाना है तो सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा होना है, क्योंकि ये लोग पूरा केंद्रीय जितने आपके एजेंसीज है उनका इन्होंने राजनीतिकरण कर लिया है, सब विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई आईटी लगा देते हैं, कभी डरा के कभी धमका के, या बड़े बड़े पैसे के बैग जो इन्होंने कमाए हैं पीएम केयर वगैरह वगैरह एनजीओ चला के वो सब यूज करते हैं, तो ठीक है करें कोई बात नहीं है, बट मैं आपको एक चीज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, इसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिसे कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वो है 4,896 इलेक्टर्स, जिसमें 10,98,903 वोट है, और जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 50% मिलना चाहिए। तो बीजेपी से मैं इतना कहूंगा कि आप अहंकार ना करें,
कि ये खेल खत्म हो गया, खेल अभी बहुत बाकी है और सारे जो विपक्षी दल है मैं उनसे निवेदन करूंगा एक साथ होकर लड़ना चाहिए हमें ताकि हम ये बीजेपी को हटा सके। अपराजिता जी, मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे इस डिबेट में वन वर्सेस ऑल हो गया, हालांकि आपका साथ निभाने के लिए जेजेपी से दिग्विजय चौटाला भी है हमारे साथ, ठीक वैसे राज्यसभा की स्थिति भी दिखने वाली है। देखिए, जब एक व्यक्ति के विरुद्ध सारे विपक्षी दल के लोग लग जाएं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की जीत निश्चित है। अगर षड्यंत्र सब लोग मिलकर करने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अर्जुन है और अर्जुन की जीत निश्चित है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सबको सुना और हारने वालों की यह भाषा है। अगर निर्वाचन के एक दिन पहले सब लोग मिलकर एक निर्दिष्ट दल के लोगों के ऊपर दोष मढ़ने लगें तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने हार मान ली है। 24 घंटे की बात है, 24 घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने आसाम में भी 2 सीटें जीती हैं, हम लोगों ने राज्यसभा की 2 सीटें त्रिपुरा में भी जीती हैं, नागालैंड में भी 1 सीट हमने जीती हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हमने 1 सीट जीती है। तो मुझे लगता है ये जो जीत का सिलसिला चला आ रहा है वो चलता रहेगा और कल सारे देशवासी यही देखने वाले हैं। खरीद फरोख्त ये सब चलता रहेगा इस तरह के। मैम, दरअसल बीजेपी का इतिहास ऐसा है ना, कांग्रेस के मुंह से जीत छीन कर अपनी पार्टी की सरकार बना लेने का इतिहास भी बीजेपी का रहा है, तो इनका डर भी वाजिब है, इनका डर भी वाजिब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।